इंडियन प्रीमियर लीग, जिसे भारत के साथ साथ पूरी दुनिया में आईपीएल के नाम से जाना जाता है, और आईपीएल दुनिया की सबसे महंगी और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाली क्रिकेट लीग है। और आईपीएल में 8 टीमें एक दूसरे से टकराती है आईपीएल फाइनल जीतने के लिए और इस खूबसूरत से आईपीएल ट्रॉफी को पाने के लिए। और आईपीएल की सभी टीमें इसी ट्रॉफी को जीतने की उम्मीद लेकर मैदान में उतरती है, पर आईपीएल के 8 टीमों में से एक ही खुशनसीब टीम ऐसी होती है जो आईपीएल फाइनल जीतती है और इस शानदार ट्रॉफी को घर ले जाती है। लेकिन क्या आपको पता है कि इस आईपीएल ट्रॉफी की कीमत कितनी है, और क्या आप जानते हैं कि आईपीएल ट्रॉफी कौन बनाता है? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आईपीएल ट्रॉफी से जुड़ी कुछ ऐसी बातें जानने वाले हैं जिन्हें सुनकर आप सच में हैरान रह जाएंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि ये जो आईपीएल ट्रॉफी है वो अलग अलग मैच के दिन अलग अलग स्टेडियम्स में कैसे पहुंच जाती है? तो इसका जवाब है कि ये जो आईपीएल है वो हर साल बहुत चीज़ों को स्पॉन्सर करती है, और बहुत चीज़ों को स्पॉन्सर करने के साथ साथ जो आईपीएल है वो एक ऑटोमोबाइल कंपनी यानी एक कार कंपनी को भी स्पॉन्सर करती है। और पिछले कुछ सीजन से आईपीएल जो है वो टाटा मोटर्स के कार को स्पॉन्सर कर रही है। जैसे पिछले साल हमने देखा है विटारा ब्रेजा को आईपीएल ने स्पॉन्सर किया है, टाटा नेक्सॉन को आईपीएल ने स्पॉन्सर किया है, और इस बार यानी 2020 में टाटा एल्ट्रोज वो कार है जिसे आईपीएल स्पॉन्सर कर रही है। और ये स्पॉन्सर कार्स ही वो जरिया होते हैं जिनकी वजह से जो आईपीएल ट्रॉफी है वो एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम में ले जाया जाता है। यानी अभी आईपीएल टाटा एल्ट्रोस को स्पॉन्सर कर रही है, तो टाटा एल्ट्रोस कार ही में रख कर जो आईपीएल ट्रॉफी है उसे एक स्टेडियम से दूसरे स्टेडियम में ले जाया जाता है। क्या आप जानते हैं कि आईपीएल ट्रॉफी में एक ऐसी चीज लिखी हुई है जो दुनिया के किसी भी क्रिकेट ट्रॉफी में नहीं लिखी हुई है, और वो चीज लिखी है यात्रा प्रतिभा अवसरा प्राप्नोति ही। ये संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है और इसका मतलब होता है जहाँ प्रतिभा अवसर प्राप्त करती है। यानी अगर आपके पास टैलेंट है तो ये जो आईपीएल है ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको एक आम क्रिकेटर से एक महान क्रिकेटर बना सकता है। क्या आप जानते हैं कि आईपीएल ट्रॉफी कौन बनाता है? तो जैसा कि हमें पता है कि जो आईपीएल है वो बीसीसीआई के द्वारा स्थापित किया गया है, और हर साल बीसीसीआई ही आईपीएल को होस्ट करती है, और जो आईपीएल ट्रॉफी होती है उसे भी बीसीसीआई ही बनाता है। जी हाँ, सही सुना आपने, बीसीसीआई द्वारा ही आईपीएल ट्रॉफी बनाया जाता है। और बीसीसीआई ने अब तक दो तरह के आईपीएल ट्रॉफी बनाए हैं, जिसमें ये जो आईपीएल ट्रॉफी आप देख रहे हैं इसे आईपीएल के स्टार्टिंग में बनाया गया था जब आईपीएल 2008 में स्टार्ट हुआ था। लेकिन 3 साल बाद बीसीसीआई ने कुछ कारणों से इस आईपीएल ट्रॉफी को हटा दिया, और बीसीसीआई द्वारा इस मॉडर्न आईपीएल ट्रॉफी को चुना गया जो आज का करंट आईपीएल ट्रॉफी है। दोस्तों, ये कोई फैक्ट नहीं बल्कि एक सवाल है कि क्या बीसीसीआई हर साल आईपीएल के लिए ट्रॉफी बनाती है? और इसका जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो आईपीएल ट्रॉफी है ये वही आईपीएल ट्रॉफी है जिसे 2011 में बीसीसीआई ने बनाया था, और हर साल आईपीएल खत्म होने के बाद बीसीसीआई आईपीएल ट्रॉफी को अपने पास सुरक्षित रख लेती है, और हर साल की जो आईपीएल ट्रॉफी है वो सेम ही होती है, और बीसीसीआई हर साल के लिए नई नई ट्रॉफीज नहीं बनाती है। दोस्तों, पिछले वाले फैक्ट से एक सवाल उठता है कि बीसीसीआई आईपीएल के लिए तीसरी ट्रॉफी कब बनाएगी, क्योंकि बीसीसीआई अभी तक दो तरह के आईपीएल ट्रॉफी को बना चुकी है और जिन्हें आप अभी अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो सवाल ये है कि तीसरी ट्रॉफी बीसीसीआई कब बनाएगी? तो इसका जवाब है कि जब बीसीसीआई का मन करेगा तब वो तीसरी आईपीएल ट्रॉफी बनाएंगे। लेकिन कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि जब तक बीसीसीआई को कोई अच्छा ट्रॉफी डिजाइन नहीं मिलता आईपीएल के लिए, तब तक वो कोई भी ट्रॉफी नहीं बनाएंगे आईपीएल के लिए। और एक और कारण ये भी है कि जब तक आईपीएल ट्रॉफी में आईपीएल फाइनल जीतने वाली टीम्स की नेम प्लेट चिपकाने की जगह भर नहीं जाती, तब तक बीसीसीआई कोई भी आईपीएल ट्रॉफी नहीं बनाएगी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि जब आईपीएल का फाइनल मैच चल रहा होता है तो स्टेडियम में आईपीएल ट्रॉफी को भी रखा जाता है विजेता टीम को देने के लिए। लेकिन क्या आपको पता है कि वहां एक असली आईपीएल ट्रॉफी के साथ साथ एक नकली आईपीएल ट्रॉफी भी मौजूद रहता है? जी हाँ, सही सुना आपने, वहाँ एक असली आईपीएल ट्रॉफी के साथ साथ एक नकली आईपीएल ट्रॉफी भी होता है। लेकिन क्यों?
तो इसका जवाब है कि जब कोई भी टीम आईपीएल फाइनल जीतती है और जब उस टीम का कप्तान बीसीसीआई के चेयरमैन से आईपीएल ट्रॉफी लेने जाता है तो ये जो आईपीएल ट्रॉफी होती है वो बिल्कुल असली ट्रॉफी होती है। और जिस आईपीएल ट्रॉफी में विनिंग टीम का नेम प्लेट चिपकाया जाता है वो भी असली ट्रॉफी होती है। लेकिन जब विनिंग टीम आईपीएल ट्रॉफी को अपने हाथों में लेकर जीतने की सेलिब्रेशन करती है तो ये जो आईपीएल ट्रॉफी आप उनके हाथों में देख रहे हैं ये नकली ट्रॉफी होता है। जी हाँ, सही सुना आपने, अभी जिस वीडियो में आप इनके हाथों में ये जो आईपीएल ट्रॉफी देख रहे हैं ये नकली ट्रॉफी है। और जो असली ट्रॉफी होती है उसे बीसीसीआई अपने पास रख लेती है। लेकिन यहाँ एक सवाल आता है कि एक नकली ट्रॉफी का इस्तेमाल क्यों होता है? तो इसका जवाब है कि जब आईपीएल विनिंग टीम सेलिब्रेशन करती है तो सेलिब्रेशन करते समय आईपीएल ट्रॉफी में कोई स्क्रैच ना जाए या फिर कोई आईपीएल ट्रॉफी में कोई डैमेज ना हो जाए, इसी कारण एक नकली ट्रॉफी का इस्तेमाल किया जाता है। और जो नकली ट्रॉफी होती है उसे विनिंग टीम के ऑफिस में शो के तौर पर रख दिया जाता है और जो असली ट्रॉफी है वो असल में बीसीसीआई अपने पास खुद रख लेती है। तो फाइनली आते हैं वीडियो के मेन टॉपिक पर कि इस आईपीएल ट्रॉफी की कीमत कितनी है। दोस्तों, आज तक बीसीसीआई ने आईपीएल ट्रॉफी की कीमत कभी नहीं बताई है, पर ये जो ट्रॉफी है ये पूरे का पूरा सोने का बना हुआ है और बीसीसीआई ने इस ट्रॉफी के बारे में जितना जानकारी दिया है उस जानकारी के अनुसार कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये जो आईपीएल ट्रॉफी है इसकी कीमत लगभग 4.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ तक है। जी हाँ, सही सुना आपने, इस आईपीएल ट्रॉफी की कीमत 4.5 करोड़ से लेकर 5.5 करोड़ के बीच में है, यानी लगभग देखा जाए तो इस आईपीएल ट्रॉफी की कीमत लगभग 5 करोड़ रुपए है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो यहीं पे खत्म होता है, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि आप आईपीएल ट्रॉफी से जुड़े ये शानदार फैक्ट्स जानकर खुश हो गए होंगे। तो अगर आप खुश हुए हैं तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो अपने सभी आईपीएल लवर और नॉलेज लवर दोस्तों में इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही वीडियोस हम आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ दोस्तों, कमेंट बॉक्स में उस टीम का नाम जरूर बता दीजिएगा जो इस बार इस आईपीएल ट्रॉफी को अपने घर ले जाने वाली है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।